अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। ये पूरा हफ्ता हम सूप्स बना रहे हैं, लेकिन सूप के साथ एक हलवा या एक मीठा भी है, ठीक है। सो आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल शीरा। नाउ दिस इज़ लाइक सूजी का हलवा, लेकिन विथ पाइनएप्पल्स इन देम। अगर आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिले तो क्या ही बात है। तो उसको आप चीनी पानी में पकाइएगा पहले, फिर डालिएगा सूजी के इस हलवे में, ठीक है। वरना मैं तो ऑब्वियसली पाइनएप्पल्स तो अभी यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने तो टिन वाला पाइनएप्पल यूज़ किया है। उसका पानी मैंने रखा हुआ है, उसका लिक्विड जो सिरप आता है टिन में, वो मैंने रखा हुआ है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा है बहुत, अगर तो फिर कम डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, ठीक है। और बादाम पिस्तों के साथ, ज़ाफ़रान के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। सो दिस इज़ पाइनएप्पल शीरा, द फर्स्ट रेसिपी। और सूप हम आज बनाएंगे मछली का सूप। इसको थिकन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आलू, ठीक है। आलू इसमें पकाएंगे, जैसे व्हाइट सॉस में कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे हम। और मछली को हम दूध में पकाएंगे या पोच करेंगे या उसको बॉयल करेंगे, ताकि बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी आ जाए। और उसी दूध को हम सूप में इस्तेमाल करेंगे, और थिकन करने के लिए हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ब्लेंड नहीं करना है, हर दफ़ा सूप्स को ब्लेंड नहीं करते हैं, हर दफ़ा सूप्स में थिकन करने के लिए कॉर्नफ्लावर नहीं डालते हैं, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, सूप थिकन आज होगा ये आलू के साथ। ओके, चलें, लेट मी टेल यू क्या क्या चीज़ें हैं। घी इस्तेमाल करेंगे हलवों वगैरह में, मक्खन या घी का इस्तेमाल किया करें। तेल का एक अजीब सा एक स्मेल आता है हलवों में, तो वो नहीं करिएगा, ठीक है। सो घी या मक्खन, जो भी, मैं घी लेके आई हूँ। तो 3/4 कप जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिपेंड्स हाउ मच यू वांट इट ग्रीसी। बाज़ वक्त कुछ हलवों को आपको घी में अच्छा सा भूनना होता है, और फिर जब सेट हो जाए और घी ऊपर आ जाता है, आप उसको निकाल भी सकते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। 1 कप सूजी है, 1/4 कप आटा है। आटा मीन्स जो इससे हम रोटियां बनाते हैं, होल व्हीट फ्लावर, ठीक है। फिर हम इसमें बेसन डालेंगे 2 चमचे, और पाइनएप्पल्स हैं 3-4 स्लाइसेस ले लीजिएगा ताज़ा हो तो, वरना आप एक छोटा टिन आता है पाइनएप्पल का वो ले लीजिएगा। ज़ाफ़रान थोड़ा सा जाएगा, और अगर फ्रेश हो पाइनएप्पल को तो उसको आपको पानी में अलग से पकाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चीनी है मेरे पास 1 कप। नाउ 1 कप सूजी के साथ चीनी, मे बी मोर फॉर सम पीपल, कुछ लोगों को मीठा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ये सिरप भी जो है ये ऑलरेडी मीठा है, तो हम चीनी बहुत सारी पहले नहीं डालेंगे, चख के आप थोड़ा सा बाद में डाल सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ इट। एंड बादाम पिस्ते हैं और ज़ाफ़रान है, जिससे हम इसको बहुत अच्छा एक फ्लेवर देंगे। ज़ाफ़रान नहीं इस्तेमाल करना है, तो आप इसमें पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं चंद कतरे, और रंग आपको देना है पीला सा, तो आप इसमें पीला रंग भी डाल सकते हैं। सो डिपेंड्स व्हाट यू वांट। आप सोचेंगे यहाँ मैंने 2 झींगे क्यों रखे हुए, दैट्स टू गार्निश माई सूप बोल, बिकॉज फिश सूप है, तो उसको हम गार्निश करेंगे आज झींगों के साथ, ठीक है। उसको सब बस मैंने बॉईल कर दिया है, तो आप वो गार्निश खा भी सकते हैं। आई बिलीव इन डूइंग गार्निशेस खाने में, मीठे में, जो फिर आप खा भी सको। ऐसे नहीं कि वो फूल बने हुए हैं बड़े बड़े सब्जियों के, और वो फिर ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो मुरझा से जाते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। जो सब्जियाँ आप पका रहे हो उसी से आप गार्निश करो, उस जो अंदर आपने डाली हुई हों। सो लेट्स नाउ स्टार्ट। अच्छा, आज हमारे शो पे डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर है इनेक्स की तरफ से। अगर आपको जीतना है तो आपने मुझे कुछ सूप्स के नाम बताने हैं, ठीक है। बहुत, हर साल मैं सूप वीक करती हूँ, इस साल मैंने सोचा सूप वीक नहीं करते हैं, सूप एंड हलवा, सूप एंड गरम कोई पुडिंग ऐसे करते हैं, तो ये हफ्ता हम फिर वो करेंगे। तो कोई हमने सूप वीक का नाम शाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन सूप्स हैं इस वीक। और वैसे भी कितने सूप्स बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों ने भी बनाए होंगे घर में, और आप भी बनाते होंगे इन विंटर। तो सूप्स के नाम लिख के 888-1 पे SMS करिएगा, 8881 इस नंबर पे आपने SMS भेजना है। प्लीज़ मुझे नहीं लिखिएगा, मुझे WhatsApp नहीं करिएगा, Facebook के पेज पे नहीं लिखिएगा, और रिपीट के टाइम सुबह 9:30 बजे आंसर्स नहीं दीजिएगा। सिर्फ लाइव शो में जवाब काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जीतना है तो आप 888-1 पे SMS करके बताइएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और सूप्स के नाम बताइएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर शो फॉर टुडे। ओके, सो सबसे पहले घी, उसमें आपने बेसन, सूजी और ये जो आटा है
होल व्हीट फ्लावर, इसको भूनना है पहले अच्छी तरह, ठीक है। अगर पाइनएप्पल फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो पानी, पाइनएप्पल के स्लाइसेस और चीनी को अलग से पका लीजिएगा, ओके। सूजी बेसन में बाद में डालूंगी, सूजी को ज़रा पहले हम इसमें भून लेते हैं। ये भूनना बहुत ज़रूरी है, इसको आँच को हल्की रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ नहीं रखिएगा, कहीं नीचे सूजी लग ना जाए और ये जल ना जाए। हमारे नंबर्स आई होप चल रहे हैं और हमारे कॉलर्स फ़ोन करेंगे और कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ बात करनी हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कोई फूड रिलेटेड आपको आपने कुछ ट्राई किया हो, ज़रूर मुझे बताइएगा। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है घी में या मक्खन में, ठीक है। हलवों में आपको बस यही होता है, अज्जा सारे नाप तोल के रख लीजिए और फिर एक ही दफ़ा शुरू करिए। ऐसे नहीं कि आपने ये किया और फिर आप कहीं चले गए, ये सब कुछ निकालने तो ये नीचे लग गया। हर चीज़ को इस तरह आप भी घर में छोटे बोल्स में निकाल के रखेंगे तो टाइम भी बच जाएगा, आप ऑर्गेनाइज भी अच्छे से होंगे और कोई चीज़ जल नहीं जाएगी, ठीक है। और खाना पकाते वक्त फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं करिएगा, होता है मेरे साथ भी होता है, मैं चली जाती हूँ अंदर और फिर भूल जाती हूँ और फिर बर्तन भी फिर हमें ही धोने पड़ते हैं जो जल जाते हैं। चलिए इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, अच्छी तरह भूनते रहिए भूनते रहिए। फिर आपने बेसन डालना है, आटा डालना है इसमें, और दिस स्टेप यू कांट मिस आउट। हलवों में थोड़ा ज़रा आपको हाथों की एक्सरसाइज होगी, इसलिए कि इनको बेसिकली भूनना बहुत ज़रूरी है। आँच हल्की रखिएगा, देखिए आँच मैंने हल्की रखी हुई है, ठीक है, तेज़ नहीं रखिएगा। अच्छा, कैन वी टेक अ ब्रेक, बिकॉज मुझे ये बस इसको भूनना है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप लोग ब्रेक में मैसेजेस करिएगा 888 पे, सूप के नाम बताइएगा और जीतिए डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर एनएक्स की तरफ से जो गिफ्ट है। 888 पे SMS करिएगा, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जी, अच्छी तरह हमने घी में या मक्खन में सूजी को, एक कप सूजी को भून लिया था। अब इसमें आपने 2 चम्मच बेसन शामिल करना है यानी ग्राम फ्लावर, 2 चम्मच आपने इसमें आटा यानी होल व्हीट फ्लावर डालना है और अब इसको भी आपने अच्छी तरह भूनना है, ठीक है, हल्की आंच पे। प्लीज़ कच्चापन नहीं आए हलवे में जब आप खाएँ इसको। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो लेट मी टेल यू कि अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल के स्लाइसेस या रिंग्स यूज़ कर रहे हैं 3-4, तो उनको पानी में, और 3 कप पानी ले लीजिएगा, 1 कप चीनी ले लीजिएगा, उसको आप पका लीजिएगा, कच्चा पाइनएप्पल नहीं डालिएगा। और ये जो है, ये तो ऑब्वियसली टिन का पाइनएप्पल हम यहाँ यूज़ करते हैं, वो हम बाद में डालेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीनी भी मैं डालूंगी, ज़ाफ़रान जाएगा, ऊपर से बादाम पिस्ते जाएंगे। थोड़े से पाइनएप्पल के हम क्यूब्स रख देते हैं टू पुट ऑन द टॉप ऑल्सो। अच्छा, यहाँ आई तो याद आया दोबारा, एनएक्स की तरफ से आज डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर है। अगर आपको जीतना है तो जल्दी से मुझे 888 पे आप बताएंगे सूप्स के नाम। बहुत सारे सूप्स हम बनाते हैं, खाते हैं, 3-4 सूप्स के नाम लिख के 888 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आप जीत सकते हैं ये गिफ्ट, ठीक है। सूजी, आटा और बेसन, खुशबू आ रही है, मेक श्योर नीचे लग ना जाए प्लीज़, ठीक है। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, थैंक यू, फरमाइए। मुझे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे सवाल कर लो आप भी मैं। जी, कौन सूप? चिकन सूप, वेजिटेबल सूप और मशरूम सूप। ओके, ठीक है। आप बनाती हैं सूप? कभी कभी। कभी कभी, सर्दियों में तो एटलीस्ट बनाया करें, इट्स गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। थैंक यू। मुझे आपसे ना कुछ पूछना है। क्या?
वेलवेट केक में जो उसकी आइसिंग में क्रीम जाती है और उससे हाफ क्रीम क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग जाती है चीज, रेड उसमें वेलवेट शुगर केक भी में। डालते हैं? हाँ जी, शुगर भी डालते हैं उसमें? आपको डालनी हो तो आप आइसिंग शुगर डालिएगा, कैस्टर शुगर नहीं डालिएगा। आइसिंग शुगर, वेनिला एसेंस, थोड़ा सा मक्खन और क्रीम चीज़, ये आप कैरेट केक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप रेड वेलवेट केक पे भी डाल सकते हैं, जुकीनी केक पे भी व्हिपिंग डाल क्रीम सकते भी हैं। डालते हैं उसमें? हाँ जी, व्हिपिंग क्रीम भी डालते हैं? नहीं व्हिपिंग क्रीम नहीं डालिएगा, मैं नहीं डालती हूँ व्हिपिंग क्रीम। बटर, क्रीम चीज, बटर, क्रीम चीज़, वेनिला एसेंस और आइसिंग शुगर। कितने बटर में कितनी क्रीम चीज जाएगी? अगर देखें 200 ग्राम आप क्रीम चीज़ ले रहे हैं तो उसमें आप क्वार्टर कप आइसिंग शुगर डालिए, चंद कतरे वेनिला एसेंस के डालिए और 1 से 2 चम्मच मक्खन का डालिए ताकि वो स्टेबलाइज हो मक्खन से उसको, और बहुत बीट नहीं करिएगा वरना क्रीम चीज़ आइसक्रीम पतली हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक खुदा हाफिज़, ट्राई करिएगा ज़रूर। ये अच्छी तरह हमने भून लिया है, अब इसमें हमने चीनी डालनी है ऑब्वियसली, तो मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी पाइनएप्पल्स आर ऑल्सो वेरी स्वीट। ठीक है, अब आपने चीनी को भी इसके साथ मिक्स करना है और चीनी भी ऑब्वियसली इसमें पानी छोड़ेगी, सो इसको हमें पकाना है। और जो पाइनएप्पल्स हैं सिरप के साथ वो भी मैं डालूंगी, ये पिसी हुई चीनी है, या आप ले लें आम दानेदार चीनी उसको आप इसमें डाल दें, ऑब्वियसली पिघल जाएगी तो वही बात हुई। भूनना बहुत ज़रूरी है और हल्की आंच पे बहुत ज़रूरी है। पाइनएप्पल का शीरा हम बना रहे हैं, मैंने सबसे पहले क्वार्टर कप जितना घी लिया था, 3/4 मैंने लिखा है, आप डाल सकते हैं क्वार्टर, हाफ, 3/4 जितना भी। उसमें आप 1 कप सूजी डालें, 2 चम्मच बेसन डालें, 2 चम्मच आप इसमें आटा डालिए, यानी कि जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ठीक है, होल व्हीट फ्लार। 1 कप चीनी मैंने लिखा है, मैंने अभी आधा कप चीनी डाली है। अच्छी तरह हर चीज़ आपने भूनना है और फिर इस स्टेज पे आप इसमें पाइनएप्पल्स शामिल कर लेंगे विद दिस शुगर सिरप। ठीक है, इस तरह देखें सूजी मैंने भूनी है जब तक वो गोल्डन हल्की सी नहीं हुई है। पानी आप इसमें और डालेंगे बिकॉज ऑब्वियसली सिरप वॉज नॉट इनफ। ठीक है, आंच प्लीज हल्की रखिएगा, नीचे लग ना जाए कुछ भी। इसको आप किसी मोल्ड में भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई बोल में आप निकालें, कोई मोल्ड ले लीजिएगा सिलिकॉन का, उसमें निकाल के फिर उल्टा कर दीजिएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। चेरीज़ के साथ, पाइनएप्पल के साथ फिर आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। दिस नीड्स मोर वाटर। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर जीतना चाहते हैं डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर रेनिक्स की तरफ से, तो जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे सूप्स के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, आप जीत सकते हैं। ये एक अच्छी सी गिफ्ट है आपके लिए रेनिक्स की तरफ से। अच्छा, आप ज़ाफ़रान अगर अभी डालना चाहें अभी भी डाल सकते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप भी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। और आज इसका सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी, रेड किडनी सूप, ठीक है, लोबिया, रेड लोबिया की सूप है, और आपने सिखाया था चिकन सूप, बीफ सूप, और वो बूटे जो नहीं है क्या, सीटे की जो छली छली की सूप बताया था आपने, फली का सूप, पीनट सूप जी। अच्छा ठीक है, ओके, नोट कर दिया है आपका जवाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपके फेवरेट सूप कौन से हैं? अरे चली गई, सबके फेवरेट सूप आई थिंक चिकन कॉर्न ही होता है, दैट्स सो हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस एंड फिलिंग, अगर वो पी लें आप, खा लें आप, तो फिर खाना नहीं खा सकते हैं। इसको हमने पकाना है, अब मैं थोड़ी सी आँच तेज करूंगी, ठीक है, ज़ाफ़रान भी मैंने डाल दिया है और इसको आपने थोड़ा सा थिक ही रखना है, बहुत पतला नहीं रहेगा, ये किसी फ्लैट प्लेटर में निकाल सकते हैं, पायरेक्स के डिश में, मैं इस बोल में निकालूंगी, उसके बाद फिर हम सूप
पे आ जाएंगे, बिकॉज हमें फ़िश पकानी है और आलू को, फ़िश से ज़्यादा तो आलू पकाने हैं हमने, बिल्कुल बारीक आलू कर दिए हैं, ठीक है, दिस इज़ डन। अभी इस स्टेज पे अगर आपको इसमें रखना है कोई कलर वगैरह डालना है तो आप वो डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान एसेंस डाल सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं। अभी चखिएगा नहीं, हाँ बहुत गर्म है अभी। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक इट आउट इन माय बोल। ये पक चुका है, ठीक है, दिस इज़ डन। देखें कैसे पता चलेगा कि हलवा जब ये साइज छोड़ेगा ना पैन के, उसका मतलब है कि पक चुका है। देखिए आप ऐसे करेंगे ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज पाइनएप्पल्स भी मीठे थे तो मैंने सिर्फ इसमें आधा कप चीनी डाली थी। ठीक है, इस तरह फ्लैटन कर दीजिएगा। और ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है तो व्हाट आई विल डू इज़ हम इसको गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते और पाइनएप्पल्स के साथ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिश सूप बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और मैं हूँ आपकी ज़ारनक सिद्धवा। अब हम बनाने जा रहे हैं तो फिश सूप, ठीक है। सो मक्खन फीका वाला ले लें, पीला वाला ले लें, वॉट एवर यू वॉन्ट। और फिर इसमें आप प्याज को सॉटे करिए, थोड़ा सा पिघल जाए तो प्याज एक चॉप करके डाल दीजिएगा। मीनवाइल यहाँ एक कप जितना आप दूध ले लें, मैंने इसलिए खुला एक पैन लिया है क्योंकि उसमें मुझे इस फिश को बस डाल के पोच करना है। मछली है, फिले मछली, आपको पता है मैं हार्डली कांटे वाली मछली लाती हूँ। सो अगर आप कांटे चमड़े वाली मछली कर रहे हैं तो फिर इसमें से निकाल के आपको उसको फ्लेक करना होगा और कांटा चमड़ा फेंक देना होगा, ठीक है। प्याज, लहसुन अदरक वगैरह डालना चाहें चॉप करके वो भी आप डाल सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करके हम आलू डाल देंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ानस कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है ठीक ठाक। जी फरमाइए। मैं आपका शो का तारीफ ही करती हूँ, आप बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट मैंने कॉल किया ना जी, तो मैंने कहा जरा जी आज आप हलवा बना रही है, ये भी पाइनएप्पल का बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है। पाइनएप्पल का शीरा बना चुके हैं, ट्राई करिएगा जरूर, सूजी के साथ, बेसन के साथ। आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। जी जरूर। वेजिटेबल सूप, कॉर्न सूप, प्रॉन सूप और फिश सूप। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। और कुछ, एनीथिंग एल्स? अच्छा जी, ये जो आलू हैं ये देखें साइज़ कितनी छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल इतने बारीक बारीक छोटे काटिएगा। ब्लेंड नहीं करेंगे हम इस सूप को, यही आलू थिकन करेगा आपके सूप को, ठीक है। सो जो पानी में भिगो के रख दीजिएगा, दो आलू लीजिएगा। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा आपने उसमें डाल देना है। और लो जी कर लो, गल स्टोव ही नहीं ऑन किया मैंने, देखे मेरे काम, तुम ही देख रही हूँ किसमें उबाल क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। ये घर में भी अक्सर होता है कि मैं चूल्हा ऑन करना भूल जाती हूँ, फिर मैं खड़े होकर उसको देखती रहती हूँ कि ये पक क्यों नहीं रहा। चलें जी, प्याज हो गया, अब इसमें आपने आलू शामिल करना है बिकॉज ये पहले पकेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, हेलो 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 जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर नकबा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं शौक से देखती हूँ, आज जो फिश सूप बना रही हो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। जरूर करिएगा ट्राई, ठीक है। और आपके सवाल का जवाब भी देंगे जी, बोले कौन सूप, चिकन सूप, फिश सूप, वेजिटेबल सूप। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। ओके, तो एक तरफ आपने दूध में मछली को पोच करना है, पकाना है, यहाँ आपने मक्खन में प्याज डाल के उसको अच्छी तरह भूनना है, उसमें फिर आपने डालना है आलू को, ठीक है, आलू हो जाएं, नमक, काली मिर्चें जाएंगी, पार्सली है चॉप करके, थोड़ी सी पार्सली डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हरा प्याज है और फिर झींगे हैं, ये तेल के साथ झींगे हैं, और बस हल्का सा स्टीम कर दीजिए या बॉईल कर दीजिए आप उसको, लेकिन जब भी झींगे इस्तेमाल करें प्लीज़ ये वाली वेन ज़रूर निकाल दीजिएगा, और अंदर की भी, यहाँ की पीछे से भी जो वेन होती है निकाल के अच्छी तरह साफ पानी में धोइएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए लाई हूँ बिकॉज आई जस्ट पुट इट एट द एज ऑफ द बोल जस्ट फॉर डेकोरेशन, अदरवाइज नहीं। सी फूड, दूसरे भी सी फूड मिलता है, अगर आपको कुछ और चीज़ें डालनी हो अंदर आप वो भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ टर्न द फिश, बिकॉज ये मछली तो बहुत जल्दी हो जाएगी, दैट इज़ अगर मैं स्टोव ऑन करूँगी तो क्या कर सकते हैं, ऐसा इंसान कौन सा है जो अपनी गलतियों पे खुद ना हंस सके। हाँ ठीक है, इसको होने दीजिए, और फिर इसमें से हम मछली को निकाल के मोटा मोटा फ्लेक कर देंगे, आप चॉप अप कर दीजिए, फिर इसको आप सूप में डालेंगे और इसी दूध को आप शामिल करेंगे, सही है। आलू को आपने अच्छा सा सौते कर दिया, और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, नमक, काली मिर्चें डालेंगे, नमक, काली मिर्चें, एंड ऑल दिस पार्सली विल गो इन। कॉलर है जी, हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, रिजवाना बोल रहे हैं, बल्दिया कौन से जी? आज की भी रेसिपी अच्छी है। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलें प्लीज। आज की भी रेसिपी अच्छी है, पर हमारे पड़ोस तो बोलते थे कि मछली में दूध खाते हैं तो व्हाइट व्हाइट से ऐसे निशान आते हैं। कुछ नहीं होता है, वो काला पापलेट होता है, ये कुछ नहीं तो सुरमई है, कुछ नहीं होता है जी। हमने खाई है, हमने पकाई है, हम सफेद कहाँ हुए, हम तो वही काले हैं, ठीक है। और आज के सवाल के जवाब है आपका, कॉर्न सूप है, चिकन सूप है, और मसूर की दाल है, तिल और दाल के मशरूम और पीस कर बनता है मसूर की दाल का सूप। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ अलग अलग भी नाम दें, वरना तो सब कह रहे हैं चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, बीफ सूप, अलग अलग नाम दें, अच्छा है ना। मैंने कितने सूप सिखाए हैं, रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ईजी होती है ना, बिल्कुल, ताकि आप सब बना सकें, इसीलिए ईजी होती है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम एक कांटा या छुरी पोक करके देखेंगे। ये देखें, मछली तो हो भी गई, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। मछली को मैं एक प्लेट में निकाल के उसको मैं फ्लेक कर देना चाह रही हूँ, ठीक है। फ्लेक मतलब मोटा मोटा उसको हम तोड़ देंगे, ब्रेक तो नहीं है ना, और इसी दूध को हम इसमें डालेंगे, ठीक है। आलू को पकने दीजिएगा, तो मैं मछली को निकालती हूँ, इसको हम कांटे से मैशअप कर देते हैं मोटा मोटा, और आप लोग लीजिए ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट, वेजिटेबल स्लाइसर अपने किचन के लिए, तो जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे दो तीन नाम सूप्स के, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक ब्रेक, वेलकम बैक। मैं चेक कर रही हूँ इफ माई आलू इज डन जी। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक पोटैटो मैशर ले लीजिए, उससे आप आधे आलू मैश कर दीजिए, लेकिन प्लीज ब्लेंडर में नहीं डालिएगा, ठीक है। ब्लेंडर में डाल के उसको पूरा प्यूरे नहीं करनी है, हर सूप ब्लेंडर में नहीं जाता है, इसको या फिर इमर्शन ब्लेंडर, जो स्टिक ब्लेंडर होता है, उसको डाल के आप इसको आधा मैश अप कर दीजिए, इसी से ये सूप थिकन होगा, ठीक है, प्लीज ये याद रखिएगा। अब ये जो दूध था उसको आप डाल दीजिए, चूँकि इसमें कोई कांटा वगैरह नहीं था, हम ऐसे ही डाल देंगे। अगर कांटे चमड़े वाली फ़िश आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसको सही तरह देखना पड़ेगा, कांटे वगैरह ना आए और कोई स्किन ना आ जाए, तो वो आप उसको छान लीजिएगा। ये तो फिले थी तो मैंने उसको मैं से निकाल दिया, ठीक है। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसमें हम ये फ्लेक की हुई मछली ये डाल देंगे, 3 से 4 पीसेस लिए थे, आधा किलो फ़िश,
और इसमें आप इसको पकने दीजिए। अब प्लीज़ याद रहे कि ये बहुत पतला सूप नहीं होगा, ये गाढ़ा सूप होगा। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब आवाज़ नहीं आ रही सुलेमान। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसी हो बेटा जर्निक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ जर्निक, तुम तो खैर जिस तरह तुम मीठे की स्पेशलिटी हो तुम्हारे पास, इसी तरह तुम सूप के अंदर भी तुमने बहुत सूप बनाया है, मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। जी पहले तो एक तुमने बहुत पहले बनाया था। क्या जी, आवाज नहीं आ रही मुझे? मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, अपना उसका बीन स्टॉट सूप बनाया था तुमने। जी हाँ, और अपना सा तुमने स्पेनिश सूप बनाया था एक दफा। जी, और उसके साथ तुमने ना वो स्लाइस को तुमने फ्राई करके वो साइड पे रखे थे। आपको सब याद है? मुझे सब याद है बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देखती हूँ ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत ये बनाए थे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। और ट्राई करिएगा इस हफ्ते के भी सारे सूप हलवे वगैरह आप, ठीक है? प्लीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे आवाज़ पता, आई डोंट नो क्यों आज सही तरह नहीं आ रही है। अच्छा, जब ये हो जाए, आलू गल जाएं तो दूध डाल दीजिएगा, उसमें फिर आप मछली डाल दीजिएगा। ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है मछली को। फिर इसमें आप हरा प्याज शामिल करेंगे, ठीक है? मिक्स कर दीजिएगा। गार्निश जो है वो एक दो झींगे हैं और पार्सली है, ठीक है जी। अब सूप कितना गाढ़ा होना चाहिए ये आप लोग कहेंगे कि कन्फ्यूजन होगी, बिकॉज कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे, हर सूप में कॉर्नफ्लावर नहीं डालेगा, इसी से गाढ़ा होगा ये जो है ना अंदर छोटे छोटे आलू उससे। जी एक और कॉलर हैं जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है। मैं आज गई हुई थी डॉक्टर के पास, मैं अभी 5 मिनट पहले घर में आई हूँ। मैंने आपके साथ टीवी ऑन की है तो आपका प्रोग्राम था, मैंने और मैंने कॉल मिलाई तो मेरी पहली बारी से मिल गई, शुक्र अल्लाह का। आज तो रात में 12 बजे और सुबह कल 9:30 बजे शो रिपीट होगा, तब देख लीजिएगा। हाँ जी, जरूर जरूर। अच्छा, और कोई आज क्वेश्चन तो नहीं? क्वेश्चन है, आपने अगर जितना है एनएक्स की तरफ से स्लाइसर तो बताइए। सूप्स के नाम, बहुत सारे सूप्स बनाना सिखा चुकी हूँ, 2-3 सूप्स के नाम लिख के 888-1 पे मैसेज करिए। जी मैं अभी भी देती हूँ, आंसर दे दूं? जी जी, प्रॉन सूप, इटालियन चिकन सूप, रोस्टेड टोमेटो सूप, चिकन कॉर्न सूप, सूप। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तब थोड़ा सा पानी या दूध शामिल कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट, अब हम इसको निकालते हैं। पाइनएप्पल शीरा हम बना चुके हैं, उसमें क्या क्या अज्जा गए थे सूप में, हमने क्या डाला था, मक्खन था, प्याज, आलू, मछली, दूध, पार्सली, हरी प्याज, नमक और काली मिर्चें, और हमने पाइनएप्पल शीरे में क्या डाला था, घी था, सूजी और आटा, बेसन, पाइनएप्पल, चीनी, थोड़ा सा पानी, ज़ाफ़रान और बादाम पिस्ते, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो डन, ये देखें। चलिए इसका हम चूल्हा कर देते हैं बंद, और पाइनएप्पल के जो शीरा है उस पर मैंने बादाम पिस्तों के अलावा थोड़े पाइनएप्पल के क्यूब्स डाले हैं। आप अगर रंग लाना चाह रहे हैं इसमें तो आप रेड चेरीज़ भी रख सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, कल मैं चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ, सबका फेवरेट, और उसके अलावा मैं मौका टरीन बना रही हूँ। टरीन एक मीठा होता है, ये कल सिर्फ हलवा नहीं है, दूसरे दिन हलवे हैं, ठीक है? कल मैं मौका टरीन बनाऊंगी, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन का एक मीठा है, वो लोफ टिन में बनता है, उसको टरीन बोलते हैं, ठीक है? तो आप देखिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़, और हमारे साथ रहिएगा, और कॉल करने का भी बहुत शुक्रिया, और मैसेजेस अभी भी करिए अगर आपके पास टाइम है, हमारे पास भी टाइम है अभी, तो मैसेजेस करिए अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट। तो जल्दी से आप बताइए सूप्स के नाम, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब मैं इस सूप को इसमें निकाल के ऊपर से हम पार्सली के साथ गार्निश कर देंगे, और ये जो झींगे हैं बॉयल किए हुए वो साइड में आप रख सकते हैं बोल पे। फिर डोंट वांट नहीं करिएगा ऐड, मैंने ऐसे किया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि फ़िश सूप है। ठीक है, इस तरह का से ये गाढ़ा होगा। इसमें आप प्लीज़ कॉर्नफ्लावर वगैरह, मैदा वगैरह नहीं डालिएगा, और याद रखिएगा हर सूप में नहीं डलता है कुछ थिकनिंग एजेंट।
अच्छा जी, एक और कॉलर है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत पसंद है मुझे, मैं आपकी रेसिपी बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रेसिपीज ट्राई करने का और कॉल भी करने का। फरमाइए। और मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। जी, कैरेट एंड ऑरेंज सूप। जी, वेजिटेबल सूप। ठीक है, चिकन कॉर्न सूप। ओके, फिश सूप, पटाटो सूप, टमाटो क्रीमी सूप, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं जी, बिल्कुल सही। और हमें भी शामिल कर दीजिए, हमें भी कभी गिफ्ट दे दीजिए। हम सबको शामिल करते हैं, आप देखते हैं ना कौन जीतता है आज। हाँ, मैंने कल भी मैसेज किया है, परसों भी किया है, और अक्सर मैसेज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस तरह आपने झींगों को रख देना है, एंड देन यू पुट योर स्पून्स। और ये हो गया हमारा फिश सूप रेडी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। फिश सूप, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर एक खाने का चम्मच, प्याज एक अदद, आलू क्यूब्स दो अदद, फिश फिले 250 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, स्प्रिंग पार्सले चॉप्ड चंद अदद, हरी प्याज चॉप्ड एक अदद, नमक और काली मिर्च हसबे जायका। तरकीब, एक सॉस पैन में मक्खन पिघला लें, फिर इसमें प्याज डालकर चंद मिनट फ्राई कर लें, फिर इसमें आलू और दो कप पानी डालकर उबाल लें, उसके बाद आँच धीमी करके 10 से 15 मिनट दम दें, उसके साथ ही पैन में फिश और दूध डालकर 5 मिनट गलने तक पकाएं, फिर दूध से मछली निकालें और दूध एक तरफ रख दें, जब मछली ठंडी हो जाए तो बड़े टुकड़ों में काट लें, उसके बाद दूध और मछली को आलूओं के मिक्सचर में डालकर 5 मिनट पकाएं, आखिर में हरी प्याज, नमक और काली मिर्च डालें और पार्सले छिड़क कर सर्व करें। पाइनएप्पल शीरा, अज्जा, घी 3/4 कप, सूजी 1 कप, गंदम का आटा 1/4 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, पाइनएप्पल क्यूब्स 3-4 अदद, चीनी 1 कप, पानी 3 कप, ज़ाफरान 1/4 चाय का चमचा, बादाम स्लाइस 1 खाने का चमचा, पिस्ते स्लाइस 1 खाने का चमचा। तरकीब, घी गर्म करके इसमें सूजी, गंदम का आटा और बेसन डालकर दरमियानी आंच पर चमचा चलाते हुए गोल्डन होने तक पकाएं। उसके बाद एक अलग पैन में पाइनएप्पल, चीनी और पानी डालकर पकाएं। फिर इसमें तमाम अज्जा मिक्स करके शीरा बना लें। अब इसमें ज़ाफरान डालकर ढक्कन ढकें और 5 मिनट पका लें। आखिर में बादाम स्लाइस और पिस्ते से गार्निश करके गर्म सर्व करें। फिश सूप, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर एक खाने का चम्मच, प्याज एक अदद, आलू क्यूब्स दो अदद, फिश फिले 250 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, स्प्रिंग पार्सले चॉप्ड चंद अदद, हरी प्याज चॉप्ड एक अदद, नमक और काली मिर्च हसबे जायका। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, लज्जत में आज 5 बजे लाइव समीना जलील बनाएंगी अचारी, कोफ्ता, कढ़ाई, धाबा, आलू, पालक, सब्जी, ठीक है, और मैं कल बनाऊंगी चिकन कॉर्न सूप एंड मौका टेरीन, देखिएगा ज़रूर। विनर आज के हैं इस डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर एनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट था आज, एमल अली इस्लामाबाद से। आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। प्लीज़ बेयर विथ अस एंड हैव सम पेशेंस, हम कॉन्टैक्ट करेंगे। और फिर वो एक डिपार्टमेंट है विच डील्स विद द गिफ्ट्स, सारे लोगों को गिफ्ट्स पहुँच जाते हैं सूनर और लेटर। आज हमने फिश सूप बनाया था और हमने आज पाइनएप्पल का शीरा बनाया था। ट्राई ज़रूर करिएगा रेसिपीज़ और मुझे फीडबैक दीजिएगा और इस तरह हमारा साथ दीजिएगा। और कल 3:30 से 4:30 मुलाकात करेंगे हम लाइव और बनाएंगे ये सारी रेसिपीज़। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए। मैंने 9 तारीख को आपके शो में इनाम जीता था। अच्छा, अभी तक मुझे मिला नवंबर नहीं, नवंबर के 9 तारीख को। जी जी, तो अभी तो थोड़े से दिन हुए हैं, मिल जाएगा, ठीक है। अपना नाम अपना नाम दे दीजिएगा मेरे डायरेक्टर साहब को, और पता वगैरह अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, डोंट वरी, मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा शायद भूल गए हमें, तो मैंने कहा नहीं भूल गए, किसी को भी नहीं भूलते, हम भी आपके फ्रेंड है, आपको शो देखते पसंद करते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप फोन नहीं रखिएगा, मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिएगा, उनको डिटेल्स दोबारा दे दीजिएगा, फिर हम फॉलो अप कर देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।